हमें बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारी यूएसबी का कंट्रोलर वेंडर कंट्रोलर पार्ट नंबर अननोन आ रहा है, तो हम उसका फर्मवेयर कैसे डाउनलोड करें। मतलब बात करने का कि बहुत सारे कमेंट्स इसी बात के आ रहे हैं कि चिप जीनियस, चिप इजी, यूएसबी ड्राइव इन्फो या किसी भी यूएसबी के इन्फो कलेक्ट करने वाले टूल को ओपन करते हैं लेकिन हमारा कंट्रोलर पार्ट नंबर और कंट्रोलर वेंडर अननोन आता है। जैसा कि हमारी पिछली वीडियोस में राइट प्रोटेक्शन का एरर, नो मीडिया का एरर, यूएसबी को रीसाइज करना, यूएसबी के फर्मवेयर को अपडेट करना, यूएसबी के बहुत सारे फॉल्ट आप लोग सॉल्व करने में कामयाब हो चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के फॉल्ट स्टिल बाकी हैं, वो ठीक करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज की इस वीडियो में हम अननोन कंट्रोलर, अननोन वेंडर पार्ट नंबर, इस पे बात करेंगे। आप में से जिन लोगों के पास प्लास्टिक बॉडी की यूएसबी है या ऐसी यूएसबी है जिसका आप ऊपर वाला कवर रिमूव कर सकते हैं, जैसे ही आपकी यूएसबी ओपन होगी उसके अंदर एक चिप लगी होगी, चिप के ऊपर जो कंट्रोलर वेंडर कंट्रोलर पार्ट नंबर, उसका सीरियल नंबर या कुछ ना कुछ इन्फो लिखी होगी, उस इन्फो को आपने गूगल क्रोम में लिखना है और उसका फर्मवेयर सच यूएसबी का एक नंबर पॉइंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये VCC पॉइंट होता है, इसमें 5 वोल्ट होते हैं, 2 नंबर पॉइंट में डेटा होता है, 3 नंबर पॉइंट में डेटा होता है, 4 नंबर पॉइंट ग्राउंड होती है। अब जो हमारी असल बात है वो ये है कि 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों डेटे के पॉइंट हैं, ये मिस होने से हमारी यूएसबी मोस्टली अननोन अनरिकॉग्नाइज का एरर देती है। आपको इन्फो अननोन शो होती है या आपकी यूएसबी डिटेक्ट नहीं होती, मतलब यूएसबी के बहुत सारे एरर इन दो पॉइंटों की वजह से होते हैं। इन दो पॉइंटों को आपने थिनर ले लेना है या पेट्रोल ले लेना है, उससे साफ करना है, या फिर किसी सुई के जरिए से भी आप उसके ऊपर लगे हुए कार्बन को आराम आराम से 1 by 1 पॉइंट से अगले पॉइंट पे, उससे अगले पॉइंट पे, इस तरह आपने चारों पॉइंट्स को साफ करना है। इन पॉइंट्स को वॉश करने के बाद, इनको क्लियर करने के बाद उसकी इन्फो ही ठीक शो हो गई, फिर आप उसका फर्मवेयर डाउनलोड करें और फर्मवेयर उस पर अप्लाई करें। इसको और ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये जो यूएसबी मेरे पास है अननोन का एरर देती है, इसको मैंने अपने पास सिस्टम में प्लग इन कर लिया। अब सबसे पहले ना मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके ये चिप जीनियस को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले आकर यहाँ पर चिप जीनियस को ओपन कर लेंगे। अब ये देखें डिटेक्ट कर रहा है, ये नीचे लिख कर दे रहा है डिटेक्टिंग प्लीज वेट। अब देखते हैं जैसे ही हमारी यूएसपी को डिटेक्ट करेगा तो ये अननोन का एरर देगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो हमारी यूएसपी है वो शो कर रही है कंट्रोलर पार्ट नंबर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल डिटेक्शन, प्लीज ट्राई पावरफुल डिटेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो पावरफुल डिटेक्शन का ऑप्शन है ये भी आप यूज कर सकते हैं। बाज़ का होता है कई लोगों का पावरफुल डिटेक्शन के जरिए से भी उनकी यूएसपी शो हो जाती है, मतलब पहली दफ़ा आप प्लग इन करेंगे तो वो नहीं शो कर रही ना, तो आप पावरफुल डिटेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो शो भी हो सकती है। मैं एक दफ़ा पावरफुल डिटेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें पावरफुल डिटेक्शन के बाद अब ये अननोन शो करने लग पड़ा है, कंट्रोलर पार्ट नंबर अननोन शो कर रहा है, जो लोगों का एरर आता है। अब मैं आपको यूएसबी अपनी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें यूएसबी मैंने अपने पास ओपन की हुई, स्क्रीन के ऊपर आपका जो इसका जो नंबर है ना वो शो हो रहा होगा। जैसे ही जो मेरी यूएसबी है इसकी जो चिप के ऊपर डिटेल लिखी हुई है वो लिखी हुई है हाइनेक्स इसकी कंपनी लिखी हुई है, और जो नंबर लिखा हुआ है नीचे वो है HY27W088G5M, इस तरह करके इसका नंबर लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसी नंबर के थ्रू इसका फर्मवेयर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब ये देखें मैं इसको यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाऊँगा, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हैं आपने उस पर आ जाना है, और यहाँ जाके जो भी मैंने नंबर आपको बताया जो मेरी यूएसबी की चिप के ऊपर लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ HY27W088G5M डाउनलोड फर्म वेयर, ये लिखकर मैं एंटर कर दूंगा।
ये देखिए, जैसे ही मैंने लिख के अभी से इंटर किया है तो मेरे सामने फर्स्ट नंबर पे ही है ना इसका जो वेबसाइट शो होगी है, इसका जो फर्मवेयर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है HY27W088G5M, ये इसका फर्मवेयर है। अब मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा तो मैं इजीली इसका जो फर्मवेयर है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरह से आपका जो भी आपकी चिप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है आपने उसको आकर गूगल पर लिखना है, आपको उसका फर्मवेयर मिल जाएगा इजीली। अभी कोर यूएसबी सेम अननोन वाले एरर के अंदर है, इसको भी मैं अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लेता हूँ। मैं चिप जीनियस को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें फिर डिटेक्ट हो रहा है, लिख के आ रहा है डिटेक्टिंग प्लीज वेट। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी देखें सेम उसी तरह जैसे पहले हमने यूएसबी प्लग इन की थी उसने भी ये लिख के दिया था नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग नॉर्मल डिटेक्शन, प्लीज ट्राई पावरफुल डिटेक्शन। पावरफुल डिटेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें अब यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर पार्ट नंबर जो है वो अननोन आ रहा है। अब इस यूएसबी का भी सेम मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखें यूएसबी मैंने खोली हुई अपने पास, आपके पास स्क्रीन पर इसकी जो पिक्चर है वो शो हो रही होगी, इसके नीचे इसका नंबर भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाकर आपको ये भी इसका जो नंबर है वो लिख कर डाउनलोड करके दिखाता हूँ इसका फर्मवेयर। तो हम सिंपली इसको बंद कर देंगे, नीचे हम गूगल क्रोम ब्राउजर है उस पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाके सर्च करेंगे TC58NVG2D4BTG00। आगे लिख देंगे डाउनलोड फर्मवेयर। जैसे लिख के हम एंटर करेंगे देखें ये भी हमारे पास जो है ना इसका जो नंबर हमने लिखा है उसका फर्मवेयर भी हमारे पास आ चुका है। ये देखें पहली वेबसाइट पे भी इसी तरह है और दूसरी वेबसाइट पे भी है। दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाके जो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट के सामने आपके पास आ जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी यूएसपी है उसके चिप के ऊपर जाकर देखेंगे आपको उसका नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कंपनी भी लिखी होगी, नंबर भी लिखा होगा। उस नंबर को जाकर गूगल क्रोम ब्राउजर पर लिखेंगे तो आपको उसका फर्मवेयर ईजिली मिल जाएगा। अच्छा हमजा भाई एक सेकंड रुकना, मैं इसको और ब्रीफ करता हूं। देखें ये यूएसबी खुली हुई है तो अननोन इन्फो अनरिकॉग्नाइज्ड यूएसबी, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं है या आपका फॉल्ट नहीं है कि आपसे फर्मवेयर आपको नहीं मिल रहा या सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। देखें इस यूएसबी में जो है ना चार पॉइंट है, ये पॉइंट भी हिल जाते हैं ये वाले जो। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कारीगर भाई हैं वो मेरी बात को बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरों को शायद प्रॉब्लम हो। ये देखें ये मैं आपको चेक करवाता हूं कि ग्राउंड और वोल्ट इसके आगे अक्सर कंपनियों ने प्रोटेक्शन लगाई होती है। अच्छा यहां पे नोट करें कि ये मैंने मीटर की एक सुई जो है ना ये ग्राउंड है, बॉडी जो इसकी ग्राउंड होती है इस पे रखी है। तो ये देखें पिन कहां पे आ रही है सीधी, ये यहां पे आके बोल रही है, यहां पे बोल रही है। तो इसको मैं दूसरी साइड पे चेक करता हूं, ये देखें बुज की आवाज आ रही है मीटर पे, जरा देखें ये 00 है। तो ये फ्यूज इसका ठीक है, मतलब ग्राउंड का फ्यूज ठीक है। तो यहां पे इन्होंने वोल्ट पे दिया हुआ है, ये वोल्ट पे दिया हुआ है ठीक है, एक प्रोटेक्शन यहां पे इन्होंने लगाई हुई है। तो ये देखें ये भी फुल बोल रही है, देखें फुल बोल रही है, 004 पे जा रही है ये वाली। अगर आप बात को आसानी से फॉलो करें, ये जो चार पॉइंट हैं इनमें से एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो आप बिल्कुल आसानी से चेक कर लेंगे। देखें ये जहां पे हमारी सुई बोलेगी तो ये ग्राउंड है, मीटर की बुझ बोल रही है तो ये ग्राउंड है, ये चार नंबर पिन है। इसके आगे जो फ्यूज लगा होगा रास्ते में दूसरी साइड पे लगा हुआ, अगर वो मिस हो गया तो आपकी यूएसबी की प्लगन की वॉइस भी नहीं आनी और यूएसबी की लाइट भी नहीं जलनी, यानी कंप्यूटर में ये डिटेक्ट ही नहीं होनी बिल्कुल। अगर ये एक नंबर पिन, ये वाली जो एक नंबर पिन है इसमें 5 वोल्ट हैं, ये 5 वोल्ट इसको कहां से मिलने हैं, कंप्यूटर से। कब मिलने हैं, जब ये वाला जो हमने इंसर्ट करनी है उसके यूएसबी पोर्ट में। तो 5 वोल्ट भी मिस हो सकते हैं इस यूएसबी के, कैसे मिस हो सकते हैं कि इसके आगे जो प्रोटेक्शन लगी हुई है जो मैंने अभी आपको मीटर से चेक करवाई है वो अगर खराब होगी, वो फ्यूज खराब हो गया, तब भी यूएसबी आपकी ना तो डिटेक्ट होनी है, ना प्लगन की वॉइस आनी है, ना यूएसबी की लाइट जलनी है। ये दो चीजें तो क्लियर करें ये वाली। तो ये दोनों फॉल्ट जो है ना ये फर्मवेयर से ठीक नहीं होने। आप में से बहुत से लोग जो सर को पा रहे हैं कि हमारी यूएसबी ठीक नहीं हो रही, हो सकता है उनका फॉल्ट जो हार्डवेयर का फॉल्ट हो। अब आगे आ जाते हैं, सेंटर में जो दो डेटे हैं ये जो
दो पॉइंट है, एक दो तीन, दो और तीन डेटे हैं। ज्यादा मसला इनमें आता है, इनमें जब मसला आएगा तो आपकी इन्फो रॉन्ग शो होगी, इन्फो सही नहीं शो होगी, या आपकी यूएसबी अनरिकग्नाइज का एरर देगी, या उसकी इन्फो गलत आ जाएगी। ठीक है, तो इनके आगे भी कुछ कंपनियां यहां इसके आगे भी प्रोटेक्शन लगाती है, जैसे कि मैंने दूसरी साइड पे आपको जीरो नंबर की प्रोटेक्शन चेक करवाई है। तो अगर प्रोटेक्शन वीक हो जाए तो दो दो नंबर और तीन नंबर इनमें से एक डेटा इसमें से गुजर के मेन चिप में जा रहा है, तो चूंकि यहां से हमारा डेटा मिस हो रहा है, इसकी वजह से अननोन इन्फो आ सकती है। मतलब दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, ये वाली जो प्रोटेक्शन है ये इन्होंने ग्राउंड पे लगाई है, चार नंबर पिन पे लगाई है। ये वाली जो प्रोटेक्शन है, ये वाली, ये इन्होंने वोल्ट पे लगाई है, यानी एक नंबर पिन पे लगाई है, और ये दो या तीन किसी एक पे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपने सिर्फ फर्म पेयर पे ही सर नहीं खपाते रहना, ये हार्डवेयर का फॉल्ट भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इस काम को समझना चाहते हैं तो यूएसबी खोल के भी आपको देखनी पड़ सकती है। तो खोल के आप ये वाले पॉइंट अगर ये हिल रहे हैं, इनको शोल्ड कर दें। अगर अंदर कार्बन है तो सुई से ये कार्बन आप साफ कर सकते हैं, यहां से साफ कर सकते हैं, ये कार्बन साफ करें, पेट्रोल थिनर से साफ करें। अगर इन चार पॉइंट में से, ये यूएसबी 2.0 की बात हो रही है, चार पॉइंट में से कोई एक पॉइंट मिस हुआ या लूज हुआ तो आपको इन्फो सही शो नहीं होनी। आपने कमेंट्स कर करके थक जाना है कि सर जी मेरी यूएसबी की जो इन्फो ही शो नहीं हो रही। देखें, जहां पे हमने दूसरे तरीके बताए हैं कि अननोन इन्फो कैसे आप डिटेक्ट करवा सकते हैं, अगर वो खराब है तो उन पे आप फ्यूज लगा दें, तार लगा दें, जंपर लगा दें, तो आपकी यूएसबी दोबारा से ऑन हो जाएगी। देखें, ये छोटा सा ट्रिक जो है, ये यूएसबी चलने के बाद यूएसबी की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें जो डेटा है उस डेटे की वैल्यू है। जैसे ही ये यूएसबी चलेगी तो आपका डेटा भी शो हो जाएगा, आप अपना डेटा कॉपी कर सकते हैं, यूएसबी को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। अच्छा वीवर, एक और बात नोट करें कि फॉर एग्जांपल हमारी जो यूएसबी है उसके ये वाले पॉइंट भी अपनी जगह से नहीं हिले हुए, मतलब ग्राउंड भी ठीक है, वोल्ट भी ठीक है, और डेटा भी ठीक है, और आगे जो प्रोटेक्शन लगी हुई है वो भी ठीक है। इसके बाद आपने ये पॉइंट भी साफ कर लिए, ये वाले जो पॉइंट है अंदर से सुई से थिनर से जिस तरह भी आपने साफ कर लिए, इसके बावजूद भी आपकी यूएसबी अननोन या अनरिकग्नाइज दे रही है, तो आपने क्या करना है, यूएसबी यहां से कंप्यूटर में इंसर्ट होगी तो पीछे से आपने केसिंग इसकी ओपन रखनी है, हाथ में ऐसे पकड़नी है, अंगूठे से पकड़नी है। अगर तो ये वाला आईसी या ये वाला आईसी हीट हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आईसी खराब है या कोई ऐसी चीज खराब है जो आईसी को हीट कर रही है, तब आपने उसकी रिप्लेसिंग करनी है। मतलब हीट होने की सूरत में भी आपकी यूएसबी की ना तो इन्फो आएगी ना यूएसबी डिटेक्ट होगी। ये भी हो सकता है कि यूएसबी कंप्यूटर को हैंग कर दे, तो आपने ये वाली चीज भी चेक करनी है। मतलब इसको मैन्युअली भी हाथ में पकड़ के देखें, अगर तो ये ठंडी है दोनों तरफ से तो फिर आप वो वाले जो हमने स्टार्ट में पॉइंट बताए हैं उनमें से किसी एक पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने आपको चिप जीनियस से यूएसबी की इन्फो लेने का बताया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में, अगर कई यूएसबी ऐसी होती हैं जो सिंपल में इन्फो नहीं देती, नीचे वो पावरफुल डिटेक्शन की ऑप्शन होती है उस पर क्लिक करें तो कई यूएसबियों की इन्फो शो हो जाती है, दो नंबर पे उसका बताया। तीसरे नंबर पे मैंने यूएसबी के पॉइंट्स को साफ करने का बताया, समटाइम यूएसबी ठीक होती है लेकिन उसके पॉइंट्स में कार्बन होता है, उसका बताया। चौथे नंबर पे मैंने यूएसबी को ओपन करके अंदर जो आईसी लगे होते हैं उनके ऊपर जो इन्फो लिखी होती है, जो कंट्रोलर पार्ट नंबर वगैरह लिखा है, उसको नोट करके फर्मवेयर डाउनलोड करने का बताया। पांचवें नंबर पे मैंने उसके जो पॉइंट यूएसबी को प्लग इन करने से जो पॉइंट हिल जाते हैं या टूट जाते हैं या मिस हो जाते हैं उनकी ड्राई सोल्डिंग का बताया, उनको शोल्ड करने का बताया। छठे नंबर पे मैंने यूएसबी के पॉइंट्स के आगे, 5 वोल्ट के आगे, ग्राउंड के आगे और उसके डेटा के आगे जो प्रोटेक्शन लगी होती हैं उसको खराब प्रोटेक्शन को सही करने का बताया। मतलब अगर फ्यूज लगा हुआ तो उसकी जगह पे प्रिंट लगा दें या शोल्डिंग कर दें उसको, मतलब वो पॉइंट डायरेक्ट कर दें तब भी वो प्रोटेक्शन का ही काम देते हैं। सातवें नंबर पे
मैंने मैन्युअली आपको बताया कि अगर यूएसबी आपकी कंप्यूटर को हैंग कर रही है, ये बिल्कुल डिटेक्शन नहीं दे रही, तो फिर यूएसबी का कवर उतार के कंप्यूटर में इंसर्ट करें और पीछे से यूएसबी को हाथ में पकड़ें। अगर उसका कोई आईसी हीट हो रहा है तो मतलब उसका आईसी ख़राब है या कोई ऐसी चीज़ ख़राब है जो आईसी को हीट कर रही है, तो वो हार्डवेयर का फॉल्ट है। तब आपको इन्फो, आपकी यूएसबी की इन्फो आपको डिटेक्ट नहीं होनी, यूएसबी डिटेक्ट नहीं होनी। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो से आपको किसी किस्म की कोई हेल्प मिले, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।